नमस्कार, बोल्स्काई में आप सभी का स्वागत है। चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए तो लड़कियां क्या लड़के सभी लाखों जतन करते हैं। ऐसे में केमिकल वाले प्रोडक्ट से लेकर घरेलू नुस्खों को आजमाने से भी नहीं चूकते। खासतौर पर लॉकडाउन के दौरान तो बहुत सारे लोग घरेलू नुस्खों पर भरोसा करने लगे हैं। त्वचा को साफ और निखरा बनाने में स्क्रब बड़े काम आता है। वैसे तो बाजार में बहुत सारे स्क्रब्स मिलते हैं, लेकिन आजकल घर पर ही स्क्रब से चेहरे को साफ करने के लिए बहुत सारे तरीके भी मिल जाते हैं। हालांकि घर पर स्क्रब बनाते वक्त जरूरी है कि आप इन तीन चीजों का इस्तेमाल इसमें भूलकर भी ना करें, क्योंकि इससे आपकी त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। चीनी फेस स्क्रब को बनाने के लिए कई बार आपने चीनी का इस्तेमाल करने के लिए सुना होगा, लेकिन आप जानते हैं कि चीनी के बड़े और कठोर दाने आपके चेहरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्क्रब करने के लिए हाथों से मसाज करने की जरूरत होती है। जब आप चीनी के दानों को चेहरे पर रगड़ते हैं तो वो त्वचा पर घाव होने का डर रहेगा। वहीं चीनी चेहरे पर लालिमा, जलन और सूखेपन के साथ ही घाव कर सकती है। अगर आप चीनी का इस्तेमाल करना ही चाहती हैं तो इसे बारीक पीस लें ताकि दरदरा सा न रहे और आपके सही तरीके से काम आए। नींबू एक खट्टा फल है और इसमें प्राकृतिक मात्रा में काफी मात्रा में एसिड होता है, तो त्वचा पर सीधे इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नींबू का इस्तेमाल सीधे चेहरे पर करने से ये आपके नेचुरल ऑयल को छीन लेती है, जिससे त्वचा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, और ऐसे में स्क्रब में नींबू का इस्तेमाल ना करें। कई सारे लोग घर पर स्क्रब करने के लिए कॉफी का पैक बनाने की सलाह देते हैं। कॉफी वाला पैक बॉडी पर इस्तेमाल करने के लिए तो सही है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल सीधे चेहरे पर करती हैं तो कॉफी के दाने भी काफी खुरदुरे होते हैं, जो चेहरे की त्वचा की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाती हैं। वहीं चेहरे पर हाइपर पिगमेंटेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।